गोपाल चंद्र भट्टाचार्य एक भारतीय एंडोमोलॉजिस्ट और प्रकृतिवादी थे जिन्होंने अपना अधिकांश करियर बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में बिताया। उनके पास औपचारिक कॉलेज की डिग्री नहीं थी। 1932 में उन्होंने पादप निकायों में जीवन की घटनाओं पर अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया। इसके बाद उन्होंने बायोल्यूमिनेशन और वनस्पति विषयों पर काम प्रकाशित किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि एकोनोलॉजी में बदल गई। वह एक विशेषज्ञ फोटोग्राफर बन गए और कई प्रकार की चींटियों, मकड़ियों, चमचों और टेंट पोलों के साथ फोटो खिंचवाने लगे। उन्होंने अंग्रेजी में कुल 22 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जैसे जर्नल भी शामिल है। 1948 में उन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बंग विज्ञान परिषद यानी बंगाल विज्ञान परिषद की स्थापना के लिए काम किया। 1968 में उन्होंने बंगाली साहित्य के लिए आनंद पुरस्कार और बंगाली साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार रविंद्र पुरस्कार जीता। 1981 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें उनकी याद में मृत्यु के 3 महीने पहले मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। 1940 में संभवतः प्रकृतिवादियों के बीच तत्वों के अस्तित्व में आने से पहले ही गोपाल चंद्र ने कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांजेक्शन में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चींटियों या मधुमक्खियों जैसे सामाजिक कीटों की कतारें अन्य रानियों, श्रमिकों या सैनिकों को कैसे बनाते हैं। लार्वा को दी जाने वाली शाही जेली की उपस्थिति को ठीक से बदलना, उनकी टिप्पणियां भारतीय चींटों की विभिन्न प्रजातियों ओकोफोलियो पर आधारित थी। 2005 में पश्चिम बंगाल सरकार ने गोपाल चंद्र भट्टाचार्य मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की। विज्ञान में उनकी लोकप्रियता के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार 2005 में उद्यमी देवासी विश्वास को कहानियों के माध्यम से मच्छरों की जीव विज्ञान और मलेरिया की रोकथाम का वर्णन करने वाली कई किताबें लिखने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया था।